अशोक सिंघल फाउंडेशन एवं M2K फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित हुए पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू शरणार्थियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए संस्था ने अपना सामाजिक कर्तव्य निभाते हुए सिग्नेचर ब्रिज वजीराबाद दिल्ली तथा मजनू का टीला गुरुद्वारा के समीप बसे सभी हिंदू शरणार्थी भाइयों को भोजन व स्वच्छ पानी वितरित करते हुए उनकी सेवा का कार्य किया। नमस्कार, मेरा नाम शिखर अग्रवाल है। मैं अशोक सिंघल फाउंडेशन का कार्यकर्ता हूं और M2K फाउंडेशन। सबसे पहले हमने किया है सिग्नेचर ब्रिज पे, जिसमें कुल मिला के 350-400 लोग थे, और बाकी आज हम जो दूसरी लोकेशन है ये मजनू का टीला है गुरुद्वारे के पास, और यहाँ पे 700-750 लगभग लोग हैं। तो हज़ारों में खाना आज हमने प्लान है कि हम वितरण करेंगे। जो बाढ़ से प्रभावित हुए पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई जो शरणार्थी भाई हैं उनको हम लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो और भी लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं तो उनको हम पूरा संपूर्ण हमारा मतलब भाव यही है कि हम उनका सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा सबसे पहला मोटो है कि लोगों को एक तो जो खाना मिले वो हाइजीन के साथ हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम ये नहीं आना चाहिए कि एडल्ट्रेशन हो किसी चीज़ में। तो हमने खुद रात में जाके सुबह 4 बजे खाना बना है, हमने खुद जाके उसका फ़ोटो क्लिक किया है, वो देखा है खाना क्या क्या इंग्रेडिएंट वो यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा प्लान था कि अगर हम मिक्स वेज की बात करें तो हमने पनीर बोला है तो वो डल रहा है या कम क्वांटिटी का तो नहीं डल रहा है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए तब हमने खाना पैक करवाया। प्लेट में क्या? तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले एक जो ग्रेवी है वो हमारी दाल मखनी की है, जो हमारी मिक्स वेज है ड्राई में, 4 चपाती है, और हमारी राइस है एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, और एक पिकल दे रहे हैं हम साथ में, एक पानी की बोतल, और मीठे में हम जो दे रहे हैं एज अ डेजर्ट वो है सूजी का हलवा। काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी भाव उनके सामने आ रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि सरकार भी मदद कर रही है टाइम टू टाइम, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भी बात है कि उनको कम टाइम में ज़्यादा लोगों को हमने कवर किया और क्वालिटी कंट्रोल हमने खाना दिया। मेरा नाम मनोज तिवारी है और मैं अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2K फाउंडेशन के लिए कार्य करता हूँ। किस तरीके का खाना है? बेसिकली आज हमारे जो न्यासी हैं अशोक सिंघल फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं, फाउंडर हैं, माननीय महेश भागचंदका जी, आज उनका जन्मदिवस है, और इस उपलक्ष्य में हम हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे कि हमने 400 बच्चे गोद ले रखे हैं, हमने आज उनको भी वाटर बॉटल्स और टिफ़िन और खाने की चीज़ें वहाँ पर वितरित करी हैं, चाहे वो दारू अड्डा हो, चाहे वो दिल्ली NCR में वसंत विहार है और बाकी जगह हैं। उसी तरीके से, क्योंकि अभी पिछले आपने देखा था बाढ़ आई, तो यहाँ पर लगभग 300 घर हमारे सिग्नेचर ब्रिज के पास हैं और लगभग 700 लोग यहाँ पर रहते हैं मुनू टीले के पास में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हुई और इनके लगभग 80% घर यहाँ पर डूब गए थे, और उनकी तो 100% जो सिग्नेचर ब्रिज में पूरी झुग्गियाँ उनकी डूब गई थी, कैंपों में रह रहे हैं। तो हमारे तो हमने देखा कि आज एक बार के लिए हम एक वक्त का इनका खाना हम अच्छे से हमने पैकेट बनाया, और अच्छे से ये लोग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, बहुत धार्मिक किस्म के लोग हैं, और उन्हें काफ़ी सहयोग करा। सिग्नेचर ब्रिज पर हमने लगभग 300 लोगों को हमने खाना वितरित करा, और बाकी यहाँ पर लगभग 700 लोग हैं और यहाँ पर हम खाना वितरित लगभग टोटल कितना।